देखते क्या मतलब भाजपा 6000 ये मेरे को समझ में नहीं आया कि उन्होंने 6000 किट का कैसे आरोप लगाया है, जबकि भंडार को तो ऑर्डर 2631 का ही मिला हुआ है। 2631 के किट बनाने का आदेश मिला है, उसमें से 31 बैग तो मेरे पास देव स्वाद के पड़े हुए थे जो बिल्कुल तैयार पड़े हुए पॉली बैग है, उसमें एक इंच भी और एक ग्राम भी कोई शॉर्टेज नहीं है, सारे बैग 10 किलो से अबव के हैं, आप अभी चेक कर लो, कोई इश्यू नहीं आ रहा उसमें। अब कौन सा आटा मंगवाया? वापस उसी कंपनी का अपने आटा इसलिए मंगवाया है कि इनकी मैं जाँच करवा सकूँ, कमेटी बनवाने के लिए माननीय विधायक साहब ने निर्देश दिए हैं कि इनकी कमेटी बनाएंगे और प्राइमरी स्टेज पे ही उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करा के उनको वहीं तुलवाएंगे, इससे कि ये जो आरोप लगाए गए हैं कि काटा आटा निम्न गुणवत्ता का था, दाल में कमी थी, इन सब की एक एक की वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के इससे पहले भी जो भी आटे अपने किट वितरण किए गए थे नगर परिषद को, उनकी नगर परिषद के कार्मिकों को द्वारा समय समय पर डे कम से कम 30 से 40 बैगों की निरंतर तुलवाई करवाने के पश्चात ही गाड़ी को लोड करवाया गया था। भंडार ने इसमें किसी भी कोताही बरती नहीं है, केवल इसमें कंपनी मालिक द्वारा स्टाम्प नहीं लगाया था मैन्युफैक्चरिंग के कारण से, उसकी त्रुटि के कारण, न कि भंडार की त्रुटि। इसमें कोई भी माल आता है किसी संस्था के पास में, भले ही वो एक्सपायर हो या निम्न गुणवत्ता का हो, तो उसको देखने के बाद ही तो मालूम चल पाता है इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट है कि नहीं है, बैच नंबर है कि नहीं है, लॉट नंबर है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद में लौटा दिया गया था। इन लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे आने के बाद में हुआ, जबकि मैंने शनिवार को ही शाम को ही मैंने सूचित कर दिया गया था, साथ में लेबर की व्यवस्था और गाड़ी की व्यवस्था नहीं होने के कारण और एक गलत मैसेज आता, इस कारण से मैंने रात को इनको भिजवाया नहीं था। उसके संडे का समय था, संडे में हमें लेबर मिलने में दिक्कत हुई, हर सारे कार्मिकों ने मिलकर एक एक बैग को वापस खोला, क्योंकि वो लेबर की मिस्टेक की वजह से ये सारा ये ड्रामा हुआ। और 10 ग्राम आटा कम होना एक ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई त्रुटि हुई हो मेरी ओर से, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं होने के कारण उसको लौटाया जाना स्वाभाविक था। कोई भी प्रोडक्ट हो उसे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होना मस्ट है, ये हमें जो संज्ञान में आया उस समस्त आटे को हमने लौटा दिया था। पूरा आटा लेंगे अपन? बिल्कुल, हम पूरा आटा लेंगे और पूरा आटा लेने के और विधायक साहब ने कमेटी बनाई है और उस कमेटी में 5 सदस्य कमेटी बनाई है वार्ड पार्षदों की, उन्होंने आश्वस्त किया है कि भंडार उनके समक्ष तोल कर और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के उनको सुपुर्द कर देगा, उसके बाद में किसी प्रकार की उनमें कोई अनियमितता होती है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे, न कि भंडार जिम्मेदार होगा। भंडार आटा आते समय उनको तुलवा के उनको देने के लिए किट उनको सौंप देगा, उसके बाद में भंडार प्रबंधन का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है और भंडार की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नहीं है जिसमें कि वो गड़बड़ करें।